गाजियाबाद में 4 जनवरी को मिले दो युवकों के शव की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। इन दोनों युवकों की बड़ी बेदर्दी से हत्या की गई थी। पहले इनको गोली मारी गई, फिर फरसे से वार किया गया और उसके बाद केमिकल से इनका चेहरा बिगाड़ दिया गया। इस मामले में फैक्ट्री मालिक, प्लांट मालिक और उसकी लीवर भी शामिल थी। पुलिस ने 7 आरोपियों में से 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद पुलिस की हिरासत में खड़े ये वही शख्स हैं जिन्होंने बड़ी बेरहमी से 31 तारीख की रात को दुर्गेश और गौरव नाम के दो युवकों की हत्या कर दी थी। थाना टीला मोड़ क्षेत्र में 2 डेड बॉडी बरामद हुई थी, जिनकी की शिनाख्त उन्हीं के परिवारजनों द्वारा दुर्गेश कसाना और गौरव कसाना के रूप में की गई थी। उसी दिन से 5 टीमें इस पर लगी हुई थी। इनका हमने टेक्निकल इंटेलिजेंस और ग्राउंड इंटेलिजेंस पे बहुत काम कर रहे थे। आज फाइनली हमारी टीम को सफलता मिली है। इस हत्याकांड में हमने भी 6 लोग गिरफ्तार किए हैं, जो कि इसमें से 2 लोग कोतवालपुर गाँव के हैं और बाकी लोग बरेली के हैं। एक अभियुक्त इसमें से भी फरार चल रहा है, की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हुई हैं।